एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो दर्दनाक वाका परसों 7 तारीख को पेश आया और वो भी एक स्कूल में, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संग्रामा ईदगाह के मकाम पर, जहाँ पे एक औरत की जो प्रिंसिपल थी उस स्कूल की, सुपिंदर कौर, और एक टीचर जो था वहाँ पे दीपक चंद, उनकी दर्दनाक जो किलिंग हुई, मौत हुई, और जिन्होंने की, इस पर सारी ही कौम में जितने भी लोग हैं जो दर्द रखते हैं इंसानियत का अपने दिल में, अपने दिमाग में, जो इंसानियत को लेके चलते हैं, उनके ऊपर एक, उनके दिल पर, उनके जहन पर एक बहुत ही जख्म जो है वो लगा है। और जो खासकर मिनॉरिटीज़ हैं इस वक्त, जो भी मिनॉरिटीज़ हैं यहाँ पे, उनमें एक खौफ, तशवीश, गुस्से की लहर जो है वो दौड़ रही है, और गवर्नमेंट के खिलाफ भी उनका गुस्सा है, क्योंकि गवर्नमेंट की ये एक प्राइम ड्यूटी है, जिम्मेवारी है, अवलीन फ़र्ज है कि वो मिनॉरिटीज़ की हिफाजत करे, और वो हिफाजत करने में गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। वरना एक स्कूल में जाके एक प्रिंसिपल और टीचर का दर्दाना कत्ल किया जाता है, और जबकि गवर्नमेंट की नॉलेज में ये है कि ये चीज़, क्योंकि उससे पहले भी यहाँ पे मिनॉरिटीज़ किलिंग हुई, एक डॉक्टर को मार दिया गया, एक और जो वेंडर था उसको मार दिया गया, जबकि ये लहर चली हुई थी, तो गवर्नमेंट को चाहिए था ये सोचना कि हम मिनॉरिटीज़ को तहफ़ दें। और उसका जो एक मुजाहरा था कल, आपने देखा जब सुपिंदर कौर का लास्ट राइट्स हो रहे थे, उनको क्रिमेशन के लिए ले जाया जा रहा था, तो उस जुलूस में जो वो एक ताजियत का जुलूस था जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की, उसमें ये गुस्सा, ये गम, ये तशवीश जो है वो बाहर निकल के आई। और ये हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट को कि अगर आप हमें तहफ़ दे सकते हो हमारे मुलाजमों को, जो इस वक्त हर जगह, चाहे वो करना हो, अनंतनाग का कोई रिमोट एरिया हो, बारामूला का कोई उड़ी साइड हो, वहाँ पे भी उन्होंने मुलाजमों को तहफ़ देना है, और गवर्नमेंट तक और गवर्नर साहब तक हमने ये बात पहुँचानी है कि हमारी मिनाटी कम्यूनिटी को ये इंश्योर किया जाए, पूरा भरोसा दिया जाए कि वो उनकी जान व माल की हिफाजत करेंगे। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमने यहाँ बुलाई है, क्योंकि इस वक्त हर आदमी है जो इंसानियत रखता है, खासकर सिख कम्युनिटी जो है वो बड़ी परेशान है, क्योंकि सुपिंदर कौर को एक औरत पर जिस तरह हमला किया गया वो ना बर्दाश्त है, और इंसानियत का कत्ल है ये।